everyone, this is me Jolly Yadav and you're watching me on Reality 360 Degree. Guys, आज मैं आप सभी को लेकर जा रही हूँ नोएडा एक्सटेंशन में हमारे प्रोजेक्ट वृंदा स्काईवर्ल्ड हेरिटेज में. एंड अभी फिलहाल मैं गौर सिटी सेंटर के बाहर खड़ी हूँ. ये है आपका गौर चौक एंड यहाँ से आपका सीधा ये जो रोड है ये आपका जाता है वृंदा हेरिटेज पर. हार्डली यहाँ से 5 मिनट की ड्राइविंग डिस्टेंस पर है. पर हम प्रोजेक्ट पर जाएं उससे पहले हम थोड़ी सी यहाँ से कनेक्टिविटी समझ लेते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं गौर सिटी सेंटर पर खड़ी हुई हूँ, तो यहाँ से आप देखें तो मेरे राइट हैंड साइड पर जो रोड है वो फर्दर आपको सेंट्रल नोएडा की तरफ कनेक्ट करता है. प्लस आप जो पीछे रोड देख रहे हैं ये जाएगा NH24 एंड मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर जो रोड है यहाँ से आपको दादरी तरफ की कनेक्टिविटी मिल जाती है. एक मूर्ति यहाँ से आपका आगे रहेगा. इसका मतलब ये है कि वृंदा स्काईवर्ल्ड हेरिटेज से आपको कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी मिल जाती है. और अब मैं आपको बिना देरी करते हुए सीधा हमारे प्रोजेक्ट पर लेकर चलती हूँ. डेस्टिनेशन हम पहुंच चुके हैं अपने प्रोजेक्ट पर जिसकी लोकेशन है सेक्टर 1 नोएडा एक्सटेंशन. एंड नोएडा एक्सटेंशन के सबसे बड़े हॉस्पिटल से हमारा प्रोजेक्ट हार्डली 100 मीटर के डिस्टेंस पर है. आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो हॉस्पिटल है दिस इज यथर्थ हॉस्पिटल जो कि नोएडा एक्सटेंशन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है. एंड यहाँ से वो वॉकिंग डिस्टेंस पर है. प्लस दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ आवर प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट के सामने कोई भी दूसरा हाई राइज प्रोजेक्ट नहीं है. इनफैक्ट लाइफ टाइम यहाँ पर कोई भी हाई राइज प्रोजेक्ट नहीं आएगा. प्लस अगर हम इस प्रोजेक्ट के नेबरहुड की भी बात करते हैं तो काफी सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट हैं, सभी के सभी रिनाउंड प्रोजेक्ट हैं. अगर आप शॉपिंग की भी बात करते हैं तो डी मार्ट, गौर सिटी मॉल ये भी हार्डली यहाँ से 3 से 5 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है. मेजर स्कूल्स भी यहाँ पे सभी इजिली एक्सेसिबल डिस्टेंस पर है, जैसे की DPS, रियान इंटरनेशनल स्कूल, लोटस वैली, ये भी हार्डली यहाँ से आपके 5 से 7 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है. दैट मीन्स यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी मिल रही है, साथ ही साथ मेजर हॉटस्पॉट सब आपके एक्सेसिबल डिस्टेंस पर है. एंड गाइस दैट वाज ऑल अबाउट द कनेक्टिविटी एंड नियर बाय हॉटस्पॉट. अब मैं आपको प्रोजेक्ट के अंदर लेकर चलती हूँ एंड इस प्रोजेक्ट को हम समझते हैं. एंड प्लस अभी पहले हम इसका मॉडल देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ की एक्चुअल साइट पर जाएंगे. सो चलते हैं अब हम प्रोजेक्ट के अंदर. Guys, this is the model of the project. ये जो project है आपका 30 meter wide road पर situated है. पूरा project आपका approx 3 acre के land patch में बना हुआ है. And ये रहेगी project की main entrance. जैसे ही आप enter करते हो सबसे पहले आपको यहाँ पर commercial shops मिल जाती हैं. Project में लगभग आपकी 12 commercial shops हैं जो कि आपकी daily needs को आपके fulfill करेगा. एंड और आगे हम आते हैं तो प्रोजेक्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टेम्पल भी है, साथ ही साथ स्काई टॉप रेस्टोरेंट भी है. एंड प्रोजेक्ट में आपको इन टोटल सिर्फ और सिर्फ 2 टावर मिल रहे हैं. टावर ए यहाँ पर रहेगा एंड इसमें सिर्फ रहेंगी आपकी 4 BHK अपार्टमेंट्स की यूनिट्स. एक फ्लोर पर आपके सिर्फ और सिर्फ 4 अपार्टमेंट रहेंगे जिन्हें एक्सेस करने के लिए आपके पास 3 लिफ्ट का प्रोविजन रहेगा. विद दैट टावर बी में आपके 3 BHK अपार्टमेंट्स रहेंगे एंड यहाँ पर एक फ्लोर पर 8 अपार्टमेंट्स रहेंगे जिन्हें एक्सेस करने के लिए आपके पास 4 लिफ्ट का प्रोविजन रहेगा. प्रोजेक्ट में आपको 80% ओपन कम ग्रीन एरिया भी मिल रहा है. अगर मैं पार्क एरिया की ही बात करूँ तो यहाँ का जो पार्क है ये लगभग आपके 1.25 एकड़ के एरिया में बना हुआ है. दैट मीन्स आपको काफी बड़ा यहाँ पर पार्क मिल रहा है. साथ ही साथ आउटडोर गेम्स के लिए भी यहाँ पर डेडिकेटेड स्पेस है, जैसे कि यहाँ पर आपके स्केटिंग रिंक रहेगा, किड्स के एरिया रहेगा, बास्केटबॉल कोर्ट रहेंगे एंड आपके जॉगिंग ट्रैक्स रहेंगे. विद दैट अगर और अमेनिटीज की बात करूं तो यहाँ पर आपको स्काई टॉप क्लब हाउस मिल रहा है. जी हाँ, टावर ए यहाँ पर जो है उसमें आपको 32 एंड 33 फ्लोर पर आपको क्लब हाउस मिल रहा है जिसमें कि आपके ओपन थिएटर रहेगा, 5-स्टार लेवल की आपकी अमेनिटीज रहेंगी, पार्टी हॉल रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पर आपको टेरिस गार्डन भी मिल रहा है. सो गाइस दैट वाज द मॉडल ऑफ द प्रोजेक्ट. अब हम इस प्रोजेक्ट को इसके एक्चुअल साइट पर जाके इसे एक्चुअल में देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि कितनी कंस्ट्रक्शन हो गई है. साथ ही साथ आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें मैं आपको यहाँ की प्राइस रिवील करने वाली हूँ. यहाँ का जो मिनिमम स्टार्टिंग प्राइस है वो अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा. और अभी हम चलते हैं प्रोजेक्ट के अंदर और एक्चुअल साइट को देखते हैं. एंड गाइस दिस इज द एक्चुअल साइट ऑफ द प्रोजेक्ट. आप पीछे देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन जोरों शोरों से चल रही है. प्रोजेक्ट अभी इसी साल जनवरी में ही लॉन्च हुआ था, दैट इज 2023 में ही लॉन्च हुआ था एंड इसकी कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दी गई है. अगर मैं पोजीशन की भी बात करूं तो ये प्रोजेक्ट आपका
2027 तक डिलीवर हो जाएगा, इनफैक्ट उससे पहले ही डिलीवर हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की भी बात की जाए तो पूरा प्रोजेक्ट आपका कम्प्लीटली MyOne फ्रेमवर्क पे बन रहा है, एंड MyOne के आपको फायदे पता ही है, इनसे बनी हुई बिल्डिंग्स का लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा लंबा होता है, प्लस ये मजबूती में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनका लाइफ स्पैन बहुत लंबा होता है। एंड उसके अलावा अगर मैं टावर्स की भी बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे दो टावर है, तो उनकी हाइट रहेगी S+33, स्टिल्ट में आपकी पार्किंग रहेगी, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको बेसमेंट में भी पार्किंग मिल रही है। एंड उसके अलावा इस प्रोजेक्ट की एक मेजर USP ये है कि यहाँ पर आपको एक एयर प्यूरिफायर लगा के दिया जा रहा है। जी हाँ, 15 से 20 फीट टॉल यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट में एक एयर प्यूरिफायर इंस्टॉल करके दिया जा रहा है, जो कि ओवरऑल प्रोजेक्ट की एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। एंड गाइस, 3 acres के इस प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ 371 यूनिट्स भी रहेंगी, जो कि एक बहुत ही मेजर एडवांटेज है। जी हाँ, ये काफी ज्यादा लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, इतने बड़े प्रोजेक्ट में इतनी कम यूनिट, इट्स अ मेजर एडवांटेज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। Guys, that was all about our today's project. आपको ये project कैसा लगा? Do tell us in the comment box. अगर आपको ये project अच्छा लगा है और आप यहाँ पे investment करना चाहते हैं, then minimum investment price is 83 lakhs only. And अगर आप अभी भी confused हैं, then let me tell you the USPs of this project. उसके बाद आप बिल्कुल sure हो जाएंगे। ये जो प्रोजेक्ट है कम्प्लीटली MyOne फ्रेमवर्क पे बना हुआ है, काफी ज्यादा लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, एंड उसके अलावा यहाँ पर आपको इस प्रोजेक्ट में एक एयर प्यूरिफायर भी इंस्टॉल करके दिया जा रहा है, प्लस यहाँ पर आपका स्काई टॉप क्लब हाउस है, सारी अमेनिटीज जो रहेंगी वो आपकी रूफ टॉप अमेनिटीज रहेंगी, प्लस यहाँ पे जो आपको अपार्टमेंट्स डिलीवर किए जाएंगे वो आपके सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट रहेंगे, मॉड्यूलर कम्प्लीट मॉड्यूलर किचन आपको दी जाएगी, प्लस सारा जो अपार्टमेंट है उसमें आपको वुडन वर्क कंप्लीट करके दिया जाएगा। एंड द मेजर USP ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज इट्स लोकेशन बहुत ज्यादा अमेजिंग है, यहाँ से आपको कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी मिल रही है, यह थर्ड हॉस्पिटल बिल्कुल आपके वॉकिंग डिस्टेंस पर है, प्लस आपको नोएडा, गाजियाबाद एंड नेबरिंग स्टेट्स की भी यहाँ से इजी कनेक्टिविटी मिल रही है। दैट मीन्स अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं देन यू विल नॉट रिग्रेट। एंड उसी के साथ गाइज, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। एंड विद दैट आई विल टेक लीव, मैं आपसे मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।